हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। आज हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैसे ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो बीच में उभरा हुआ होता है वही उत्तल लेंस होता है। जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बस अनंत पर रखे, तो इस यहाँ जैसे ये वाला फिगर देखिए तो इसमें दो फोकस है, ये एफ और टू एफ। जो एफ होता है उसको हम प्रथम फोकस कहते हैं और टू एफ जो होता है उसको द्वितीय फोकस कहते हैं। इसी तरह लेंस के पीछे भी दो फोकस होते हैं, ये लेंस के पीछे का प्रथम फोकस होता है और ये लेंस के पीछे का द्वितीय फोकस होता है, ठीक है। जब हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं तो इसमें दो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। एक रे ऑफ लाइट होती है वो हमारा प्रकाशित केंद्र से होकर चली जाती है, ठीक। ये प्रकाशित केंद्र तो ये लाइन होती है, तो ये प्रकाशित केंद्र से सीधे निकल जाती है। कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो वह प्रकाशित केंद्र से सीधे निकल जाएगी। तथा दूसरी रे ऑफ लाइट होती है तो ये मुख्य छूता है तो मुख्य के समांतर आती है। तो जो ये बीच में लाइन दिख रही है यहाँ पे जब आती है तो ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये प्रथम लेंस के पीछे वाले प्रथम फोकस से निकल जाती है, ठीक। चलिए हम अब फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं क्या है। जब वस्तु वगैरह हमारी अनंत पर है, तो जब वस्तु हमारी अनंत पर है तो उससे बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकलेंगी। चलो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, मुख्य के समांतर आ रही है, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है जैसे ही इस पर आएंगी तो ये लेंस के पीछे वाले प्रथम फोकस से निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला जब स्थानांतरण पर होती है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ठीक। तो इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति क्या होती है, इसका जो वास्तविक होता है वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा अत्यंत छोटा। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस के पीछे वाले फोकस पर। प्रथम फोकस पर, ठीक। अब इसी तरह हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, जब वस्तु टू एफ तथा इनफाइनाइट के बीच में रखे, मतलब ये हमारा इनफाइनाइट है और ये टू एफ है, इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दो। तो मान ली यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेंगी, एक तो निकल जाएगी यहाँ से, तो ये जब रे ऑफ लाइट इधर आएगी मुख्य के समांतर जाएगी तो इस लाइन से रिफ्लेक्ट होकर प्रथम फोकस से जाएगी, ठीक। और दूसरी प्रकाशित केंद्र से, तो प्रतिमा मारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और छोटा ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ डैश तथा टू एफ डैश के बीच में, ओके। और प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है वास्तविक है, उल्टा है तथा छोटा है, अत्यंत छोटा नहीं छोटा, ठीक। चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन जब वस्तु टू एफ पर है, टू एफ, ठीक है। तो चलिए टू एफ पर भी देख लेते हैं, जब वस्तु टू एफ पर है
यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, तो ये पहली रे ऑफ लाइट यहाँ से होकर जाएगी, ठीक। तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस लाइन से प्रथम फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट प्रकाशिक केंद्र से, ये थोड़ा मेरा फिगर गलत हो गया है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बन रहा है ना, मतलब जब हमारी वस्तु 2f पर रखी रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f डैश पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, 2f डैश पर बनेगा। और प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक उल्टा वा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। अब चौथा क्या है, जब वस्तु 2f तथा f डैश के बीच में हो, क्या कह रहे हैं, 2f तथा f डैश के बीच में, इसके बीच में कहीं भी, ये 2f है और ये f है, तो इसके बीच में हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा प्रकाशीय केंद्र, ओ इसको किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, हमने ओ से डिनोट किया। तो पहली रे ऑफ लाइट होती है सीधी आई मुख्य के, और लेंस के जैसे ही आई प्रकाशीय केंद्र वाली लाइन से होगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी सीधी निकल जाएगी प्रकाशीय केंद्र से होते हुए, तो ये हमारी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो जब भी हमारी वस्तु 2f तथा f डैश के बीच में रखी होगी तो हमारा जो वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी, 2f पर होगी और इनफाइनाइट, मतलब लेंस के पीछे 2f डैश पर तथा इनफाइनाइट के बीच में होगी। तो यहाँ पे लिख दो कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, 2f डैश तथा इनफाइनाइट के बीच में, ठीक। और प्रकृति क्या है, प्रकृति है वास्तविक उल्टा वा वस्तु से बड़ा, ठीक है। ये चार हो गए, अब पांचवा और छठा देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है, पांचवा और छठा देख लेते हैं। ये देखिए अब पांचवा क्या, जब वस्तु हमारी प्रथम फोकस पर होती है, तो प्रथम फोकस हमारा ये है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दो। देखिए इसमें जो सारी दूरी होती है वो प्रकाशिक केंद्र से मेज़र की जाती है, और 2f इन सबकी दूरियाँ बराबर होनी चाहिए, प्रकाशिक केंद्र और f के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो f से 2f के बीच की भी दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरियाँ मेज़र की जाएंगी। हमने प्रथम फोकस पर ये ऑब्जेक्ट रख दी, तो एक तो यहाँ से निकल जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये प्रथम फोकस से, और दूसरी प्रकाशीय केंद्र से, ये देखिए यहाँ पे हल्का ये गलत हो गया, ये थोड़ा यहाँ से लाइन खींचनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट करेंगे, ऐसे बढ़ती जाएंगी, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे, जब बस हमारी प्रथम फोकस पर होती है तो इसके लिए क्या होता है, लेंस के दूसरे अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, नहीं यहाँ पर तो मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर मिले, रे ऑफ लाइट कहाँ पर मिलेंगी जाके, इनफाइनाइट पे मिलेंगी जाके। तो जो प्रतिबिंब हमारा होता है कहाँ पर बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। और प्रकृति क्या होती है, जब अनंत पर बनता है तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये वास्तविक हो गया, वास्तविक उल्टा वा अत्यंत बड़ा।
करते हैं तो बड़ा, और ठीक है। अब छठा छठी कंडीशन क्या है, जब वस्त्र हमारे क्या है एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, ओ के बीच, एफ पे हो और इसके बीच में हो, तो यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है। तो ये पहले समांतर जाएगी, पहले लाई यहाँ पे, ये बना देना एरो, ज़रूर बना देना, पता चले कि एरो हमारी किधर जा रही है, ठीक है। चलिए अब ये यहाँ पे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रथम फोकस, मतलब लेंस के पीछे ले प्रथम फोकस से जाएगी, और ये तो इस कंडीशन का, तो देखो ये कहाँ, ये देखो दूर हट रही है ना, यहाँ पे देखो पहले पास थी, फिर थोड़ा हल्का हल्का दूर हो गई, तो ये डायोफेट आगे, मतलब यहीं से दूर हो रही, तो जब और पीछे जाएंगी तो ये और ज़्यादा दूर होती चली जाएंगी, इसलिए पीछे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन रे ऑफ लाइट को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे किस लिए बढ़ा, क्योंकि आगे तो मिल नहीं रही हैं, इसलिए हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं, देखिए पीछे पास हो गई ना, मान लो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, लेकिन पीछे मिलेंगी, आप लोग बढ़ाएंगे ऊपर जगह, नहीं तो मैं बना नहीं सकता। तो ये प्रतिमा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक, देखिए कितना बड़ा प्रतिमा बन रहा है, तो अनंत पर बनेगा तथा लेंस के बीच वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक है, वस्तु के ओर ही बनेगा। तो प्रतिमा कहाँ पर बन रहा है, अनंत तथा लेंस के बीच में वस्तु की ओर बन रहा है, और प्रकृति क्या है, अब ये डेड डेस्क करके बनाया है, तो प्रकृति आभासी सीधा तथा बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, ये हो गया, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल रही तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मैं आपके लिए ऐसे और नई वीडियोस लाता रहूँगा, कृपया करके मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके ऊपर जो आल वाला नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर लगाएं, उससे क्या होगा हमारी अपडेटेड सारी वीडियो आपके मोबाइल पे या आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।